सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और हम एक ऐसे मैच को लेकर आ गए हैं जो मैच काफी बड़ा, लगभग आईपीएल का सबसे बड़ा मैच हो सकता है, क्योंकि यहां पर आरसीबी फैंस और मुंबई फैंस, इन दोनों के लिए आईपीएल आज शाम 7:30 बजे से शुरू हो रहा है। इनके लिए अभी से शुरू होगा आईपीएल, क्योंकि एक दोनों ऐसी टीम है जिनकी काफी ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग है, और जिस प्रकार के आमने सामने इनके मैच होते हैं तो देखने में काफी मजा आएगा। लेकिन इनके मैच अगर कुछ मौका देते हैं तो वो है फैंटेसी प्लेयर्स के लिए, यहाँ पर आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो चलिए हम भी अपनी फैंटेसी टीम बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैच होने कहाँ पे वाला है? मैच होने वाला है चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में। छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं इसकी, और चिन्ना स्वामी का स्टेडियम तो फेमस है बड़े बड़े रन्स के लिए, लेकिन यहाँ पर अब पिच वैसी नहीं रही है। अब ये मैदान थोड़ा बदल गया है, यहाँ पे थोड़ी स्पिन फ्रेंडली पिच है, लेकिन दोनों टीमों के पास कोई खासा स्पिनर्स नहीं है, वो सब हम देखेंगे टीम न्यूज में। अभी बात करते हैं हेड टू हेड। तो हेड टू हेड की बात करी जाए तो 30 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 13 बेंगलोर ने जीते हैं तो 17 मुंबई ने जीते हैं। अब चिन्ना स्वामी पे 10 मैच खेले गए हैं, और सरप्राइजिंगली 10 में से 8 मैच यहाँ पर मुंबई ने जीते हैं और 2 मैच यहाँ पर आरसीबी जीत पाई है। होता उल्टा है कि आपका घरेलू मैदान आपका गढ़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर आरसीबी के लिए हुआ नहीं है। मुंबई ने आरसीबी को यहाँ पे परास्त किया है। और उसके बाद 2022 में एक मैच हुआ था जिसमें आरसीबी की टीम ने बाजी मारी थी, और मुंबई तो काफी बेकार प्रदर्शन रहा था लास्ट सीजन में उनका। अब देखते हैं टॉस के बाद। टॉस के बाद तो जो भी टीम जीतेगी वो यहाँ पर चेज ही करना चाहेगी। उसके बाद बात करते हैं टीम न्यूज की। तो यहाँ पर जोस हेजलवुड अवेलेबल नहीं है पहले कुछ मैचेस के लिए, असरंगा भी अवेलेबल नहीं है, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है उसमें वो हिस्सा है श्रीलंका की टीम का। उसके बाद रजत पाटीदार स्टार्टिंग के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा मैक्सवेल का भी पहला मैच श्योर नहीं है, तो यहाँ पर काफी गहरे संकट में है आरसीबी की टीम। तो बिना समय व्यर्थ करे देखते हैं कि आरसीबी का क्या लाइनअप होता है, किस प्लेयर के कैसी उम्मीदें हैं और क्या उनको रेटिंग दे सकते हैं। तो पहला नाम आता है कैप्टन फाफ डुप्लेसी का। फाफ डुप्लेसी की इस मैदान पर एवरेज है 61 के अराउंड, और लास्ट ईयर काफी बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे। जिस भी लीग में जाते हैं काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी पिक हो जाते हैं। मैंने इन्हें दिए हैं 8.5 out of 10। उसके बाद विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में तो क्या ही बात करना, जो भी बोलेंगे हम कम पड़ेगा। विराट नहीं, वो किंग कोहली है। यहाँ पर बात करें तो वो उनकी फॉर्म वापिस आ चुकी है, वो चाहेंगे कि एक बेहतरीन आईपीएल सीजन हो, और क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप भी है वो प्रिपेयर होना चाहेंगे। तो यहाँ पर विराट कोहली को मैंने 10 out of 10 दिए हैं। विराट कोहली के नंबर काटने वाला आज तक कभी कोई पैदा नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा है फिन एलन को। टीम यहाँ पर कोई और कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर फिन एलन खेलते हैं तो वो एक यहाँ पर एक्सप्लोजिव बैट्समैन की तरह खेल सकते हैं, क्योंकि अगर मैक्सवेल नहीं होते तो बल्लेबाजी में तेजी बढ़ाने के लिए कोई तो चाहिएगा। तो यहाँ पर एक्सप्लोजिव होंगे तो वो आकर ज्यादा कुछ ट्राई करेंगे, तो फैंटेसी टीम में मेरे को उतना शामिल करते हुए नजर नहीं आ रहे वो। मैंने इन्हें ओनली 6.5 दिए हैं आउट ऑफ 10। उसके बाद यहाँ पर मैक्सवेल को मैंने रखा है, लेकिन डाउटफुल है। तो यहाँ पर मैक्सवेल या ब्रेसवेल दोनों में से एक खेलेगा, दोनों लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। बैटिंग में एक लेफ्ट हैंडेड है तो दूसरा राइट हैंडेड, लेकिन दोनों गेंदबाजी में भी ऑप्शन देते हैं और बल्लेबाजी में भी ऑप्शंस देते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी पिक हो सकते हैं। और इनका रिकॉर्ड भी ठीक रहा है, और ब्रेसवेल अच्छी सीरीज से आ रहे हैं। मैक्सवेल का लास्ट सीजन काफी जब शानदार रहा था, तो मैंने इन्हें रेटिंग दी है 8.5 out of 10। अब बात करते हैं महिपाल लोमरोड की। महिपाल लोमरोड की यहाँ पर एवरेज है 21 के अराउंड, लेकिन एक अच्छे हीटर और मिडल ऑर्डर में संभाल सकते हैं जिम्मेवारी। मैंने इन्हें रेटिंग दी है 7 out of 10। उसके बाद आते हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक उतना रेगुलर क्रिकेट खेल तो नहीं रहे, लेकिन डोमेस्टिक में अब भी जाते हैं, डोमेस्टिक में प्रदर्शन कर रहे हैं अच्छा, और लास्ट सीजन आरसीबी के लिए बेहतरीन रहा था। दिनेश कार्तिक को कभी भी आप काउंट आउट नहीं कर सकते, अगर आप ऐसी करने की गलती करते हैं तो। लास्ट सीजन उन्होंने बता दिया था कि वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। उसके बाद नाम आता है शहबाज अहमद, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके स्टैट्स तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जितना इस खिलाड़ी ने इम्प्रूव किया है लास्ट एक सीजन में वो काफी बेहतरीन है, चाहे बात हो बल्ले से चाहे गेंद से, और फील्डर भी काफी जबरदस्त है। तो इन्हें एक आप रख सकते हैं, एक अच्छी पिक हो सकते हैं। मैंने इन्हें दिए हैं 8.5 out of 10। उसके बाद नाम आता है हर्षल पटेल का।
हर्षल पटेल अब वो पटपट पटेल नहीं रही हैं, लेकिन आरसीबी की उम्मीद होगी। लास्ट सीजन उनका काफी एवरेज रहा था, खैर बिलो एवरेज रहा था लास्ट सीजन, वो वहां से इम्प्रूव करना चाहेंगे। मैंने उन्हें रेटिंग 7.5 दी, लेकिन मैं इसे घटाकर 7 करना चाहूंगा। उसके बाद यहाँ पर री स्टॉप ली है, गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं और एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं आरसीबी के लिए, क्योंकि ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों को परेशान कर सकते हैं स्टार्टिंग के ओवर्स में, और अच्छे विकेट टेकर हैं। हमने इंग्लैंड के लिए देखा है कि रन के लिए बेशक जाए विकेट जरूर चटकाते हैं, तो ये एक अच्छी पिक होंगे। मैंने इन्हें दी है 8.5 की रेटिंग। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने 9 मैचों में मुंबई के खिलाफ 8 विकेट लिए हैं, उतनी अच्छी एवरेज भी नहीं है, लेकिन उनकी देखें तो यहाँ पर डेथ में बॉलिंग कराएंगे और विकेट चटका सकते हैं डेथ में भी और स्टार्टिंग ओवर्स में भी, तो एक अच्छी पिक हो सकते हैं। मैंने इन्हें दिए 8 out of 10। उसके बाद टीम के पास यहाँ पर कोई ऐसा स्पिनर है नहीं, तो मैंने यहाँ पर करण शर्मा को रखा है। यहाँ पर हसरंगा की गैर मौजूदगी इन्हें काफी खल सकती है, तो यहाँ पर करण शर्मा की भी उतनी फॉर्म वगैरह ज्यादा अच्छी है नहीं। मैंने इन्हें बस 6 out of 10 दिए हैं। आप अपनी फैंटेसी टीम में अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पिनर तो क्योंकि सहबाज हो गए, फिर वहां पर मैक्सवेल से भी ये करवा सकते हैं या फिर ब्रेसवेल खेलते हैं तो उनसे, और यहाँ पर एक दो ओवर निकालने के लिए और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तो आजकल यूज हो ही रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर में ये अनुज रावत को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई की टीम के लिए ईशान किशन, जिनके आंकड़े आरसीबी के खिलाफ एवरेज है, और उसके बाद उन्हें काफी कुछ प्रूव करना है, लेकिन रिस टॉपली को वो दिक्कत दे सकते हैं। रिस टॉपली जो कि गेंद को दोनों तरफ मूव कराते हैं और ईशान किशन के पैर उतने चलते नहीं है, तो यहाँ पर उन्हें खतरा है। मैंने इन्हें दी है 8 out of 10। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की आरसीबी के खिलाफ एवरेज है 29 की और चिन्ना स्वामी में एवरेज है 19 की, और लास्ट सीजन में कोई 50 नहीं लगाई थी, उससे पहले वाले सीजन में बस एक 50 लगाई थी, तो आईपीएल में उतनी फॉर्म इनकी लगातार अच्छी रही नहीं है, जिस कारण से मैंने इन्हें दिए है 7.5 out of 10। और आजकल काफी तेज खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो रेटिंग मैंने सिर्फ उनकी आईपीएल परफॉर्मेंस के बेसिस पर दी है, उनके नाम पर नहीं। उसके बाद नाम आता है तिलक वर्मा का, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने लास्ट ईयर बेहतरीन लास्ट 5 पारियों में देखे तो लास्ट 5 में से 3 पारियों में उनकी 50 थी और बची हुई 2 पारियों में भी 40 और 30 का स्कोर किया था, तो एक अच्छी पिक होंगे। यहाँ पर आप उन्हें जरूर पिक कर सकते हैं। मैंने इन्हें दिया है 9 out of 10। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, जो काफी ज्यादा जीरो स्कोर करने के बाद आ रहे हैं, तो अपनी T20 में फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे, जो T20 में थे वो वाले वनडे वाले नहीं, तो यहाँ पर सूर्या को मैंने 10 out of 10 दिए हैं। उसके बाद टीम डेविड, जो टीम के फिनिशर होंगे, यहाँ पर एक अच्छी पिक हो सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा एग्रेसिव होंगे और डिपेंड करता है कि पहले बैटिंग करती है या बॉलिंग, लेकिन फिर भी आप इन्हें पिक कर सकते हैं। मैंने इन्हें दिया 8.5 out of 10। उसके बाद कैमरन ग्रेड, काफी एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं, बैटिंग में भी आपको ऑप्शन देते हैं और बॉलिंग में भी आपको ऑप्शन देते हैं। यहाँ पर कैमरन ग्रेड को मैंने दिए हैं 8 out of 10, क्योंकि एक प्रूवन एसेट नहीं है अभी तक। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऋतिक सोलंकी। ऋतिक सोलंकी के लास्ट में कुछ मैच काफी प्रोमिसिंग रहे थे, बल्लेबाजी में भी एक तो हिट लगा लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं और स्पिन का कोई ऐसा विकल्प है नहीं यहाँ पे। यहाँ पर मैंने इसे 9 out of 10 दिया, मैं घटाकर 7.5 करना चाहूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस। उसके बाद जोफ्रा आर्चर चोट से वापिस आ रहे हैं और एक मस्ट पिक है, इनको मैंने 10 out of 10 दिए, हर फैंटेसी टीम का ये हिस्सा होंगे। उसके बाद रमनदीप सिंह, जिन्होंने लास्ट टाइम अच्छा किया था, उन्हें मौका दिया जा सकता है, एक दो मैचेस में ही अच्छा किया था, डोमेस्टिक में भी इनका फॉर्म अच्छी रही है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है डोमेस्टिक के आंकड़े इनके, लेकिन मैंने इन्हें दिए 7 out of 10। उसके बाद जेसन बैरनडॉफ, गेंद को स्टार्टिंग में स्विंग करा सकते हैं, लेकिन डेथ बॉलिंग की कैपेबिलिटीज इनके पास नहीं है, जिसके कारण इनकी जो रन पिटवाने की गति है वो काफी ज्यादा है, तो मैंने इन्हें दिए हैं 7.5। उसके बाद यहाँ पर टीम को चाहिएगा एक स्पिनर, टीम के पास ऑप्शन है पीयूष चावला का, यहाँ पे कुमार कार्तिकेय वगैरह को भी ट्राई कर सकते हैं, सैम्स मुलानी एक अदर बॉलिंग ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने इस खिलाड़ी को 8.10 दिए हैं, मैं घटाकर इसे 7.5 करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर पीयूष चावला अगर खेलते हैं तो काफी लंबे टाइम के बाद वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ पर तो इतनी आसानी नहीं होता,
अब देखते हैं कि यहाँ पर जो मस्ट पिक है और मेरी टीम है वो क्या हो सकती है। तो विकेट कीपर्स में यहाँ पर ईशान और दिनेश कार्तिक मैंने दोनों को रखा है। यहाँ पर फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव मस्ट पिक है, विराट कोहली मस्ट पिक है, फाफ डुप्लेसी मस्ट पिक है और तिलक वर्मा को मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने रोहित को छोड़ दिया है। आप यहां पर अगर चाहें तो रोहित को रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक खिलाड़ी के साथ। उसके बाद ऑलराउंडर्स में मैंने कैमरन ग्रीन और शहबाज अहमद को रखा है। आप टिम डेविड को भी ट्राई कर सकते हैं या फिर बेस्टवेल मैक्सवेल खेलते हैं तो उन्हें। बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर को रखा है और मोहम्मद सिराज और रीस टॉपली को। यहाँ पे कैप्टनसी पिक्स के लिए विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी एक ऐसा नाम है जो ऑटोमेटिकली कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो सूर्य कुमार यादव को भी आप बना सकते हैं क्योंकि ग्रैंड लीग में काफी अच्छा कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप तिलक वर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी की फाइनल टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैच शुरू होने से पहले मिल जाएगी। एक बड़ा मैच है ये, तो टीम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और मैं चाहूंगा कि वीडियो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को कमेंट करें, टैग करें। किसी प्लेयर की रेटिंग आपको पसंद नहीं आ रही तो उसे कमेंट्स में हमें बताइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।